ठीक है, आज हम लोग इनवॉल्व के बारे में जानेंगे। इनवॉल्व मतलब क्या होता है रे? लिफाफा। लिफाफा जब खुलता है तो कुछ ना कुछ निकलेगा रे, है ना। तो यहाँ भी क्या होता है, इसमें कुछ एक इक्वेशन उत्पटांग टाइप का दिया रहता है और बोलता है हमको खोल के बताओ कि क्या निकल रहा है ना रे। तो देखेंगे कैसे खोला जाता है। हाथ में लिफाफा रहेगा तो तुरंत खोल लेगा रे, है ना, और खोलने के बाद तुरंत पढ़ भी लेगा। लेकिन इधर जो खोलने में कैसे खोलता है सीखेगा, अब सीख लेगा बढ़िया से तो बढ़िया से खोल भी लेगा। तुम लोग भी अपने से एग्जाम पे खोल सकते हो रे, है ना रे। तो देखो बोलता है, इसका डेफिनेशन है कि अगर f ऑफ x कॉमा y कॉमा अल्फा बराबर 0 है और f ऑफ x कॉमा y कॉमा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बराबर भी 0 है, ये दो कंजुगेटिव मेंबर्स है फैमिली, कोई भी कर्व का दो कंजुगेटिव मेंबर है। अच्छा ये चीज समझ रहे हो कि f ऑफ x कॉमा y कॉमा अल्फा बराबर 0 करने का मतलब कि हमारा जो फंक्शन होगा उसमें ये तीनों आएगा। ये ना होता है रे, f ऑफ x करने का मतलब क्या होता है, हमारा जो फंक्शन होगा सिर्फ x वेरिएबल का होगा। f ऑफ x y करने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होगा उसमें x और y वेरिएबल होगा। f ऑफ x y मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इस तरह का कुछ होगा। f ऑफ x मतलब x स्क्वायर प्लस 4x ऐसे करके ना रे, और f ऑफ या प्लस 1 प्लस यहां पे कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, और f ऑफ x कॉमा y कॉमा अल्फा मतलब इसमें x y और अल्फा तीनों रहेंगे, उस तरह का हमारा कोई फंक्शन है। और दूसरा है कि अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा करने का मतलब कि अल्फा में चेंज बहुत थोड़ा सा है ना रे, 0.00001 करके, है ना जी। समझा कि ना समझा बाबू, दो कंजुगेटिव मेंबर्स है कोई भी कर्व का तो उसका लोकल जो अल्टीमेट इंटरसेक्शन जो कहलाता है, मतलब जो तुम मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्किल है, एक लाइन थोड़ा ऐसे खुला रहे कैसे खुला, तो ये जो मिला तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि यही इनवॉल्व में से यही चीज खुला होगा इस पॉइंट पर। समझ आ रहा है ना। तो देखो मिलनी है कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, मिलनी हम लोग को ये समझना है कि अगर हमें जो है दिया गया है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोलता है कि इनको खोलो, तुम्हारे पास लिफाफा है, अब खोल के जो है क्या निकल रहा है, स्टेट बैंक का कोई फैमिली निकल रहा है। फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार ना होता है बाबू, है ना, समझ आ रहा है कि ना है? तो इसी से जो है इनका परिवार को और ढूंढो, है ना। देखो इसको करने का क्या तरीका होता है बाबू, हम लिखे हैं क्या कि फाइंड द इनवॉल्व ऑफ फॉर फाइंडिंग द इनवॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, यहां लिख लो रे टू फाइंड द इनवॉल्व ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व कितना बराबर है, इलिमिनेट अल्फा, अल्फा मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, फ्रॉम इतना, और उसको फिर जो है और क्या करना है, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ये सिंबल किसका है बाबू, ये सिंबल है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, है ना रे, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। समझ आ रहा है ना। तो करना क्या है कि m को हमको इलिमिनेट करना है, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, समझ आ रहा है, अल्फा को। और यहां अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इनमें जो है अल्फा का रोल कौन निभा रहा है, m निभा रहा है ना। तो जैसे यहां पे अल्फा था x, y, अल्फा, तो यहां पे क्या है x, y, m, तो इसको पढ़ते बाबू डेल पढ़ते, ठीक है, डेल f ऑफ x, y, m अपॉन डेल m, अगर इसके अनुसार चले तो, है कि ना, है कि ना बाबू। तो करना क्या है, इसको मान लो ये तुम्हारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन गिवन है y बराबर mx प्लस a बाय m, इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक है। अब क्या करेगा, या ना भी मानोगा डायरेक्ट अबव इक्वेशन, है ना, अबव मतलब कहा था बाबू ऊपर वाला, अगर मान लिया है तो नाम दे दो इक्वेशन वन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू m, m क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है x कॉमा y कॉमा m का है, और इसका नियम ये है कि जो कांस्टेंट वाला होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएट
करना पड़ता है, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय सॉरी पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल वाई बाय डेल एम किसके रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में, बराबर डेल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन है ना, दोनों साइड लोग करेंगे तो डेल एम एक्स प्लस ए बाय एम अपॉन डेल एम होगा ना। अब तो ये वाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है ना वाई में, एम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और वाई तो एम है ना, है ना, तो ये कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एम एक अलग वेरिएबल है, समझ आ रहा है कि नहीं, यहां पे वेरिएबल ना कॉन्स्टेंट ही बोल सकते हो, ठीक है। पार्शियली का क्या होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बस वही वेरिएबल का काम करता है, बाकी जो रहता है वो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करता है, ये ना पार्शियल डिफरेंशिएशन का नियम है रे। तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही जो है एज ए वेरिएबल का काम करेगा, समझ आ रहा है ना, अब बाकी जो है कॉन्स्टेंट का काम करेगा। तो ये वाई हम एम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन भी क्या होता है बाबू, जीरो। तो ये डी वाई बाई डी एम क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एम क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको अलग कर लो तो क्या हो जाएगा, डेल एम एक्स अपॉन डेल एम प्लस डेल ए बाय एम अपॉन डेल एम। इसको और थोड़ा बढ़िया से सजा के लिखेगा तो एम एम तो बने, एक्स यहां पे क्या कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है ना, क्योंकि हम लोग एम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, तो एक्स जो है बाहर कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, डेल एम अपॉन डेल एम प्लस ए यहां कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, तो ए को बाहर निकालो, अब यहां क्या हो जाएगा वन बाय एम, तो वन बाय एम अपॉन डेल एम, है ना। अब वन बाय एम को हम लोग लिख सकते हैं एम पे पावर माइनस वन, कोई दिक्कत, वन बाय एम था तो ऊपर ले जाएंगे तो एम पे पावर माइनस वन। अब हम लोग कर देंगे जो डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है बाबू, वही चीज इधर भी होता है, डी एक्स पे पावर एन अपॉन डी एक्स है, तीन का होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस वन। अगर डी एम पे पावर डी डी एम पे पावर एन है अपॉन डी एम है, तो इसका क्या हो जाएगा, एन इंटू एम पे पावर एन माइनस वन। तो यहां भी डेल एम है, ठीक है, एम है, रूल वही काम करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, बस डिफरेंस यही रहता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं उनके अलावा जो भी वेरिएबल है वो एज ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट, अब वेरिएबल भी है तो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बस वो वेरी करेगा, अब बाकी जो है एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा। जैसे मान लो यहां वाई क्या है, वेरिएबल, मिलने जनरली हम लोग मान के चलते हैं वाई वेरिएबल है, है ना रे, एबीसीडी का लास्ट वाला जो होता है एक्स वाई जेड, मिलने मैथ में क्या होता है वेरिएबल मान के चला जाता है कि वेरी करते रहता है, और एबीसीडी को क्या माना जाता है, अंग्रेजी का शुरू वाला सबको कॉन्स्टेंट एज माना जाता है, बड़े बुजुर्ग मान के आए हैं तो हमें भी मानना होगा ना, और पीछे वाला क्या है वेरिएबल का काम करता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वाई भी तो वेरिएबल ही होगा, लेकिन हमारा जो है हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एम के रिस्पेक्ट में, तो एम के अलावा जो भी यहां वेरिएबल रहेगा वो सारा जो है कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ना होता है रे, इसलिए ये जीरो हो गया। अब यहां पे एक्स क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया और डेल एम बाय डेल वन हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो देखो जीरो एक्स प्लस ए इंटू और डेल एम बाय डेल एम के पावर माइनस वन अपॉन डेल एम, तो एन की जगह क्या है माइनस वन, तो वो क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू एम पे पावर माइनस वन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन होता है ना रे, अरे डेल एम पे पावर माइनस वन अपॉन डेल एम, यहाँ डी और यहाँ डेल है से रूल से भी काम करता है, ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है कि और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, उनके अलावा अगर कोई और वेरिएबल रहता है तो वह कॉन्स्टेंट बिहेव करता है, समझा, कॉन्स्टेंट मतलब उनका जो है बगल वाला पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, है ना रे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको यहां से करेगा तो माइनस वन इंटू एम पे पावर माइनस वन, वही तो किए है ना, वही तो किए है ना,
तब ये क्या हो जाएगा, जीरो बराबर एक्स माइनस ए एम पे पावर माइनस टू होगा कि ना होगा, सही बोल रहे हैं। अब यहां से और इनको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर ए इंटू एम पे पावर माइनस टू बराबर एक्स, ये माइनस के साथ था इधर आ गया तो प्लस ना हो जाएगा, ये पूरा माइनस के साथ था इसको पूरा उठा के इधर रख गया तो प्लस ना हो जाएगा। नियम का तो अहमियत करे कि अगर कोई इधर है इधर से उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो उधर से भी तो आने में वही ना होगा रे, जितना रास्ता चल के जाओगे फिर उतना तो रिटर्निंग भी होना पड़ता है, तो जो इधर से उधर जाता है वो इधर से उधर आता है, प्लस माइनस चेंजिंग माइनस प्लस चेंज, गुना भागा मेरे भागा गुना में। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम पे पावर माइनस टू बराबर एक्स बाय ए, कहीं गलती कर रहे हैं क्या बाबू, ठीक है ना। अब देखो एम पे पावर माइनस टू बराबर आ गया एक्स बाय ए, अब दोनों को पलट दो रे, तो इसको ऐसे लिख सकता है वन बाय एम पे पावर माइनस टू बराबर वन बाय एक्स बाय, दोनों को वन बाय कर लिए है ना रे, ना कर सकते हैं ठीक है, या उससे भी दिक्कत हो रहा है समझने में ऐसे करके, तो ऐसे करके समझो कि थोड़ा देखने में उठपटांग लग रहा है तो हम लोग उल्टा पलटी करते हैं, है ना रे, उल्टा पलटी करते हैं तो ज्यादा आसान से समझ में आएगा। इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ए बराबर एक्स बाय एम पे पावर माइनस टू, है ना रे, अब इसको इधर लेके आओ तो ए बाय एक्स बराबर वन बाय एम पे पावर माइनस टू, है ना, अब ये क्या हो जाएगा, ए बाय एक्स बराबर एम पे पावर टू होगा कि ना होगा, और यहां से तुम लिख सकते हो ना कि एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बाय एक्स, इसमें इसमें कोई अंतर है, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए ऐसे कर दिए। अब एम बराबर क्या होगा, अंडर रूट ए बाय एक्स, ना अच्छा लग रहा दिखने में, है ना, तो दिखाना दिखाओ तो करना है थोड़ा सा रे, इसलिए इधर से उधर की ठीक है, और देखने में अच्छा लगता है तो सॉल्व भी अच्छे तरीके से हो जाता है ना, होता है बस सॉल्व करने आना चाहिए, तो कोई भी चीज है रे देखने में अगर अच्छा लगता है तो जल्दी सॉल्व हो जाता है ना रे, इधर रहता तो तुम लोग सोचता कि कैसे हो रहा है, लेकिन ये ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, ये m का वैल्यू को जो है पुट कर देंगे इसमें, ये जो इक्वेशन है समझ आ रहा है ना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन वन, है ना रे, तुम लोग इतना होती करके प्रवचन नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है सत्संग में तुम लोग बैठा हुआ है, ना समझ में आ रहा है, है? ना आ रहा है तो बोलो बाबू, सही बोलना आ रहा है, तुम समझा रहे, सही बोल रहे हैं, चलो अब m का वैल्यू जो इसमें डालेंगे तो क्या होगा रे, y बराबर m, m की जगह क्या डालेगा, तुम्हारे पास क्या वैल्यू है, इक्वेशन वन जो है y बराबर एम एक्स प्लस ए बाय एम है ना बाबू, तो y बराबर m की जगह क्या डालेगा, अंडर रूट ए बाय एक्स इंटू एक्स प्लस ए बाय अंडर रूट ए बाय एक्स हो गया रे। अब इनको देखने में भी थोड़ा सोची लग रहा है रे, इनको सजाएगा है ना रे, कोई भी सस्ता धस्ता है रे तो देखने में कितना बढ़िया लगता है, तो ये भी जब इनको तुम सजाएगा रे तो ये भी बढ़िया लगेगा। अब देखो कैसे इसका श्रृंगार करोगे, तो y बराबर रे, कीट जो होता है रे खाली औरों के पास ना होता है मेथों के पास होता है, इनको जो है रूट ए अपॉन रूट एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबू कि अंडर रूट ए बाई बी है, इसको लिख सकते हैं रूट ए बाय रूट बी, कोई दिक्कत ना है, समझा कि ना समझा, प्लस इसको भी तुम लिख सकता है ए बाय अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट
x, लिख सकता है ना। अब देखो y बराबर इसको तुम और क्या कर सकते हो, रूट ए इंटू रूट एक्स, रूट ए बाई रूट एक्स है ना, तो रेशनलाइज कर दो रे, ऊपर नीचे रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिए। अच्छा अब एक चीज ये देखो, ए बाय, अब ये ए बाय बी है तो ये ऊपर ना चला जाता है, ऐसे अगर आता है ए डिवाइडेड, मान लो यहां पे सी ले लो, सी बाय डी, यही चीज ना है बाबू, ये चीज ए डिवाइडेड सी बाय डी, या इसको और बढ़िया से लिखो तो क्या हो जाएगा, तीन बटे एक बटे पांच, यही चीज ना है, यानी तीन को भागा दे रहा है एक बटे पांच, तीन को भागा दे रहा है एक बटे पांच, तो ये क्या हो जाएगा, तीन गुना पांच बटे एक, नियम ना है मैथ का, तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा रूट एक्स है ये ऊपर जाएगा कि नहीं, अपॉन रूट ए, ऐसे दिक्कत कोई दिक्कत, समझा कि ना समझा बाबू। अब यहां मैंने रेशनलाइज कर दो, नीचे में क्या है, रूट ए है, तो रूट ए नीचे भी कर दो, रूट ए ऊपर में भी कर दो, है ना रे, नीचे ऊपर तो कर सकते हैं ना अपने से, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, करना पड़ता है, ठीक है। और यही श्रृंगार है इनका, ये देखो रूट रूट एक्स है, रूट एक्स तो रूट का भी अच्छा अपना फंडा होता है कि रूट ए इंटू रूट ए हो जाता है ए, है ना, कैसे होता है देख लो, रूट ए यानी ए पे पावर वन बाई टू, ये ना होता है रूट का रे, इंटू ए पे पावर वन बाई टू। अब देखो बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है ना रे, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू और आधा आधा मिलके ना पूरा हो जाता है, हैं? तो ए पे पावर वन क्या हो जाएगा, ए, ए ना हो जाएगा। उसी तरह अगर रूट एक्स है, रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स ना होगा रे, तो रूट ए रूट एक्स, अब चलो यहां पे इसी को पहले लिखते हैं, रूट ए इंटू रूट एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये कट गया क्योंकि रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस उसी तरह ये देखो ए रूट एक्स है इंटू रूट ए है, और रूट ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये ए और ये ए कट जाएगा ना रे। अब तुम्हारे पास क्या बचा, वाई बराबर रूट ए इंटू रूट एक्स है ना रे, और उधर क्या बचा, रूट ए इंटू रूट एक्स। अच्छा ये बताओ रूट ए और रूट एक्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना रे, रूट ए एक्स प्लस रूट ए एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों का बेस क्या है, मतलब इसके भी कोफिशिएंट एक है और इसके भी कोफिशिएंट एक है, इसको मान लो एक वेरिएबल, मान लो जेड मान लिया, इसको भी जेड मान लिया, ठीक है, तो वाई बराबर क्या है, जेड प्लस जेड, तो हम लोग लिख सकते हैं वाई बराबर टू जेड, लिख सकते हैं ना, समझा कि ना समझा। तो ठीक उसी तरह इसके बगल में एक है, इसके बगल में एक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर टू रूट एक्स होगा कि ना होगा, समझा कि ना समझा बाबू, तो y बराबर टू रूट एक्स। अब क्या करो, इसको मान लो रे इक्वेशन टू, नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन टू बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेगा रे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर होगा कि ना होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो, समझा कि ना समझा रे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स होगा कि ना होगा, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर और रूट ए एक्स, तो देखो रूट के अंदर कुछ भी तुम रखा, अगर पांच ही रखा है इसका स्क्वायर करेगा तो ये तुमको पांच ही देगा, क्यों, क्योंकि पांच पे पावर वन बाई टू और इसके पावर टू, तो ये टू
कट जाता है मेरे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला ना रे। तो देखा लिफाफा खुला क्या मिला रे, पैराबोला है ना रे, पैराबोला का इक्वेशन मिला। समझा कि ना समझा बाबू, छापो हो गया मिटा लो।